दोस्तों, हमारे सौर मंडल का एकमात्र नॉन स्टार यानी कि हमारा सूर्य अकेले ही हमारे सौर मंडल का 99.86% मास कवर करता है। हमारे सूर्य का मास 1.989 × 10³⁰ किलोग्राम है, जो कि हमारी पृथ्वी की तुलना में 3,33,000 गुना ज़्यादा है। यानी कि सूर्य के अंदर 3,33,000 पृथ्वी समा सकती है। लेकिन क्या हो यदि हमारी पृथ्वी सूर्य से भी 2 गुना बड़ी हो जाए तो? दोस्तों, वैसे तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी इमेजिनेशन के सामने सब बेकार है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा यदि हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य के आकार का 2 गुना हो जाए। दोस्तों, मैंने यहाँ सिर्फ मास की बात की है, लेकिन पृथ्वी में पाए जाने वाले रिसोर्सेस अभी भी उतने ही है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी का 71% भाग पानी है। लेकिन अब जबकि पृथ्वी का साइज सूर्य के भी 2 गुना हो गया है, तो बड़े बड़े महासागर ऐसे लगेंगे जैसे बारिश के बाद किसी गड्ढे में पानी जम गया हो। यदि ऐसा होता है तो हमारी पृथ्वी में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारा सूर्य हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में बांधे रखता है, जिससे कि वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। लेकिन अब जबकि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट हमारी पृथ्वी है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं सब पृथ्वी का चक्कर काटने लगेंगे, और जितने भी पृथ्वी के आसपास वाले प्लैनेट्स हैं सभी गुरुत्वाकर्षण के अधिक होने के कारण पृथ्वी से टकरा जाएंगे। सिर्फ हमारे सौर मंडल के दूर दराज वाले प्लैनेट्स ही बचेंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि किसी प्लैनेट का मास बहुत बढ़ जाता है, तो वो अपने कोर में इतनी एनर्जी पैदा कर सकता है जो उस प्लैनेट को एक तारा बना सकती है। और अब तो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी हो गई है, जिससे इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके कारण पृथ्वी के कोर में फ्यूज़न की क्रिया होगी, जिससे हमारा घर यानी कि पृथ्वी एक लाल चमकता तारा बन जाएगी। लेकिन तब तक किसी दूसरे प्लैनेट में जीवन की कल्पना की जा सकेगी? मान लीजिए कि इंसानों ने किसी दूसरे प्लैनेट को तब तक अपना घर बना लिया होगा, और जब वो आसमान में देखेंगे तो उन्हें 2 सूरज दिखाई देंगे, एक हमारी पृथ्वी और दूसरा हमारा सूर्य। दोस्तों, किसी भी इतने बड़े प्लैनेट पर जीवन की कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है। हमारी पृथ्वी पर हर चीज़ इतनी सटीक है कि हम आज यहाँ आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना।